हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर न्यू वीडियो। सो गाइस, उस दिन द अदर डे आई जस्ट मेट एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ माइन एंड ही सेड, उसका टोन देखिए उसने मेरे से, वो बेचारा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट उसका इनोसेंट टोन देखिए, उसने बोला, सर ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, मुझे कहीं से पता चला है इसमें ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, उठा लूँ क्या इसको। मैंने बोला, भाई उठाना उठाना मत किसी को, तो मतलब आप टोनालिटी देखिए, लोगों में इंटरेस्ट देखिए, डीमैट अकाउंट्स कितने खुल रहे हैं, कि कहाँ कहाँ से हर तबके के लोग मार्केट में आके उठा रहे हैं स्टॉक लिटरली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी है और उसी एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए, ऑलवेज़ लर्न हाउ टू डू एनालिसिस। मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें निरंतर, तो एक साल भर में आप सीख सकते हैं। दूसरी बात, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस वीडियो में और बाकी सारे वीडियोज़ में जो भी स्टॉक मैंशनड है, दे आर ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एडुकेशनल पर्पजेस। तो मैंने उसको भी यही सलाह दी है कि आप अपना एनालिसिस करो या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सुनो। बाकी यूट्यूब पर 50 वीडियो चलते रहते हैं, आप सुन के उसको एनालाइज करो ना। वाई डू यू वॉन्ट टू डू अ ब्लाइंड बाय और अ ब्लाइंड सेल? दैट्स नॉट करेक्ट एंड दैट्स नॉट लीगली वाइबल ऑल्सो। आज ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए एक स्टॉक जो वापस मेरे नज़र में आया है, जो बेसिकली एक पोजिशनल ट्रेड के लिए ही हम ट्रेनिंग पर्पज़ में यूज़ करते हैं, एडुकेशनल पर्पजेज, नॉट अ रिकमेंडेशन अगेन, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का 200 डे मूविंग एवरेज है 7045 के आसपास। अभी स्टॉक अप ट्रेंड में दिख रहा है, नीचे से कंसॉलिडेट किया, थोड़ा सेलिंग आई अराउंड 8000 लेवल्स, विच वॉज रिक्वायर्ड, हिस्टोरिकली प्रूवन। और तभी भी हमने यही बात की थी कि ये वहाँ अटक रहा है थोड़ा 8100-8200 पे, नाउ इट इज़ अराउंड 7400। अब इसको ऑब्ज़र्व करना है, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो इसको नोटिस कर सकते हैं कि 7045 जब तक ऊपर की तरफ इंटैक्ट है सपोर्ट लेवल, जब तक वो नीचे भी गिरे, 7045 अगर ब्रेक करेगा देन बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, बट इफ़ इट इज़ इंटैक्ट एट 7045 देन द स्टॉक कैन अगेन अराउंड 7200-300 लेवल्स पे एक बेस बना के कैन अगेन ग्रो 10% फ्रॉम दिस लेवल, अराउंड 7900 इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स पकड़ लीजिए आप। क्योंकि ये जो फेस्टिव सीजन है, इसमें बहुत सारे आईफोन्स और बहुत सारी चीज़ें बिकेंगी ऑन ईएमआई, जिसमें बजाज फाइनेंस का मार्केट शेयर इंडिया में हाईएस्ट है कंज्यूमर लेंडिंग में, कंज्यूमर लेंडिंग एंड पीयर टू पीयर तो नहीं बोलेंगे उसको, अनसिक्योर्ड लेंडिंग है बेसिकली, बट उसमें वो जो आरबीआई का हैंगओवर था, वो न्यू पॉलिसी था, वो पीछे हट गया है। तो बजाज फाइनेंस इज़ लुकिंग अपवर्ड्स बिकॉज ऑफ द एंसुइंग फेस्टिव सीजन, ये क्रिसमस, न्यू ईयर, ऑल द वे अप टू 26 जनवरी जो हमारे देश में, स्पेशली इंडिया में 26 जनवरी तक जो सेल लगती है, उस चक्कर में बहुत सारा माल इनका बिक जाता है, जिसमें इनके लोन्स बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है जनवरी क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आएगा वो आपको एक लेवल दे देगा कि 7045 टूट रहा है या नहीं। अगर अगले 2-3 हफ्ते वो इंटैक्ट है, लेट्स से नेक्स्ट एक वीक भी वो इंटैक्ट है, वो गिरा नहीं, देन इट इज़ मेकिंग अ बेस एट दैट लेवल, और उसी तरह इस स्टॉक को देखना चाहिए। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, देन टेक अ कॉल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।